Mr. Nobody berada di sini. Harus sudah apa ini mengenai missing letter juga. Or, mana kaya kerangki exercise, ha? Dengko, kuch group mana isi dia dia main group of five children. Ijda, ah five children ni lo, pin group banam, pin chart paper ni. Group main draw koro Mr. Nobody ki. First child draw Mr. Nobody. Head, माथा बनाओ। The second child draw his clothes, कपड़ा बनाओ। The third child draw the arms. The fourth child draw his legs. Fifth child draw Mr. Nobody's hair. Look at Mr. Nobody. Is not he a funny man? Color him. Okay.
Fatima wrote her father's name like this: Dinesh, Mr. Dinesh Dixit. Ram wrote his mother's name like this: Mr. Sneha Somdas. Ramdas, Sneha Ramdas. Write your father's name as Sima did. Sima ke papa ka naam kya hai? Write your mother's name as Ram did. Mr. Use of Mr. and Mrs. to write more names you know. Tum jante ho aur bhi Mr. aur Mrs. dekar isme aaj likho. यहाँ अपने आप लिखने का, ओके? यहाँ मैंने लिखा हूँ. नेक्स्ट देखो, नीचे एक पोएम दिया गया, जिग जाग बॉय. आई नो ए लिटिल जिग जाग बॉय हु गोज दिस अवे एंड देयर. ही नेवर नो जस्ट वेयर ही गोज, हिज कोट और शूज और हैट. इफ यू आर नॉट जिग जाग चाइल्ड, यू विल हैव नो कॉज टू से that you forgot, for you will know where things are put away. Zigzag line से दिखाओ, zigzag में line कैसे, zigzag boy. I know a little zigzag boy. हाँ, zigzag boy क्या कर रहा है? मैं जानती हूँ. I know
जैक बॉय कैसे जिग जैक लाइन दी हुई है उसके ऊपर से जिग जैक बॉय जा रहा है। आई नो लिटिल जिग जैक बॉय है, छोटा सा कैसे बॉय है जिग जैक बॉय, और उसके ऊपर से कौन जा रहा है, हु गोज दिस हैवी एंड दैट, उसके ऊपर से कौन जा रहा है जिग जैक बॉय, कौन जा रहा है, कौन गया ये रास्ते में से, ही नेवर नोज जस्ट वेयर ही गोज, क्या तुम जानते नहीं हो जो यहाँ से नहीं जाना चाहिए, जिग जैक के ऊपर से डिजाइन है ना ड्राइंग है वहाँ से नहीं जाना चाहिए, ईच कोट और शूज और है हाँ, उसका कोट भी है शूज है जूता पहना हुआ है और हैट माथा में टोपी दी हुई है ओके। तो इफ यू आर नॉट ए जिग जैक चाइल्ड, अगर तुम जानते नहीं हो तो जिग जैक चाइल्ड यू विल हैव नो कॉज टू सी दैट यू फॉरगॉट व्हाट यू विल नो, अगर तुम सचमुच जानते हो तो अभी देखो दैट यू फॉरगॉट व्हाट यू विल नो व्हाट थिंग्स आर टू हैवी है, तुम क्या ये सचमुच जानते हो ये क्या है वहाँ पे ये चीज़ कहाँ होता है तुम जानते हो, जिग जैक बॉय चल रहा है जिग जैक के ऊपर से सूट पहना है बूट पहना है हैट पहने हैं, तो ये आप लोगों को अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है लेकिन जिग जैक के ऊपर से इस तरह चलना नहीं चाहिए खराब हो जाता है, वो एक टाइप ऑफ ड्राइंग ड्राइंग में से अच्छा दिखना चाहिए अच्छा रखना चाहिए ओके। ओके
जिगजैग जे आई जे आई जी जिगजैग जे आई जी जे आई जे जिगजैग। नेक्स्ट क्या आएगा, नेवर एन ई वी ई आर नेवर एन ई वी ई आर नेवर जस्ट जे यू एस टी जस्ट जे यू एस टी जस्ट जे यू एस टी जस्ट कोट सी ओ ए टी कोट शूज एस एच ओ ई एस शूज एस एच ओ ई एस शूज हैट एच ए टी हैट एच ए टी हैट चाइल्ड सी एच आई एल डी चाइल्ड सी एच आई एल डी चाइल्ड। नेक्स्ट देखो, फॉरगॉट एफ ओ आर जी ए टी फॉरगॉट एफ ओ आर जी ए टी फॉरगॉट बॉट सी ए यू एस टी बॉट सी ए यू एस टी बॉट आई नो दैट कर ली हियर एंड देखो कार्ली लॉक्स एंड द ट्रिविया ऐसा दिया गया। वंस देयर वाज अ गर्ल विद कर्ली हेयर हर नेम वाज कार्ली लॉक्स। वन डे सी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस सी सॉ ए कॉटेज इन एनीबॉडी इन इज एनीबॉडी इन सी हर्ड देयर वाज अ नोबॉडी द बियर फैमिली लिव इन द कॉटेज दे हैड गॉन फॉर ए वॉक कर्ली लॉक्स वेंट इन सी वांटेड टू सी हु लिव्ड देयर सी सॉ थ्री बाउल्स ऑफ परेक ऑन द टेबल देयर वॉज ए बिग बाउल फॉर पापा बियर ए मिडल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर एंड ए टीनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर कर्ली लॉक्स वाज हंग्री कर्ली लॉक्स कैसे थे हंग्री और सी एट द पोरेज फ्रॉम द बिग बाउल इट वाज वेरी हॉट सी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल इट वाज ए टूल्स टू कूल सी एट फ्रॉम द टीनी लिटिल बाउल It was just right. Curly locks ate up all the porridge. Then she went to the bedroom. There was a big bed for bed for Papa Bear, a middle bed size bed for Mama Bear, and teeny little bed for Baby Bear. The big bed was very, very hard. The middle size bed of was too soft, but the teeny little bed was just right. Curly Locks fell asleep in the teeny little bed. The Bear family came back. Bear family again, of course, somebody at my porridge shouted, Papa Bear in his big voice. Somebody at my porridge said Mama Bear. Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his teeny little voice. The bear somebody said. The bear family went to the bedroom. Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big group voice. Somebody slept in my bedroom, said Mama Bear. Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his teeny little voice. Okay? Curly Bear, Curly Locks, woke up. She saw the three bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. Adapted from Curly Locks and Three Bears. Three Bears ki ek story diya gaya hai yahan pe. Ye story mein Curly Hair dikhaya. ओके कर्ली हेयर क्या है कैसे होते हैं एक गर्ल्स है उसके कर्ली
में क्या होता है, she wanted she to lift their she saw three bowls for it on the table, टेबल के ऊपर three bowls था, और मिडिल बड़े बाउल जिसका है पापा के हैं, मिडिल बाउल्स मम्मी के हैं, और छोटा सा बाउल हुआ वो छोटे बच्चे के लिए है। इट वॉज वेरी हॉट, वो गर्म हो गया था, और उस टाइम में उसने बहुत चिल्लाने लगा। देखो तीनों में लिखा है पापा मामा और बेबी, और तीन था तीनों टेडी बियर, देखो तीनों टेडी बियर, और बेड भी तीनों था, पापा के था और मम्मी के थे और किसके था, और कुछ कुछ करी कुछ कुछ जाके राइट में है पापा के, लेफ्ट में मम्मी के, और छोटा सा सब जब जाग गया देखा ना जाम करके गांव में से नीचे गिर गया, सब बेड में से नीचे चला गया। बोलो ये स्टोरी है, मैं नेक्स्ट डे बहुत अच्छा से स्टोरी हार्वर्ड्स और फिर मिसिंग लेटर सब कुछ कराऊंगी। आज मेरा अजय यहाँ तक ही है।